सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई लोग फिलहाल मैं आया हूँ अभी प्रैक्टिस करने के लिए। तो हो रहा भाई मेरा साइकिल। तो भाई इसका पिछले वाला जो ब्लॉग देखे पता ही होगा, हम लोग गए थे भाई मेरा गाड़ी का हेडलाइट खरीदने के लिए, लेकिन हेडलाइट तो मिल ही गया था। लेकिन वो बोल रहा है कि तुम्हारा आगे का जो भाईचारा है उसका क्लैंप वगैरह अगर टूटा होगा तो तुम भाई हेडलाइट लेके क्या करोगे। तो बोला कि किसी गैरेज पे जाओ चेक करके आओ। तो मैं भाई आज सुबह ही गया था चेक करने के लिए, लेकिन मेरा सब कुछ टूटा हुआ है तो हेडलाइट लेके कुछ फायदा नहीं। अभी ये रहा भाई मेरा साइकिल, प्रैक्टिस करेंगे। और फाइनली मैंने सस्पेंशन ऑर्डर कर ही दिया, जो स्क्रीन पे आ रहा होगा देखो वही वाला सस्पेंशन मैंने ऑर्डर कर दिया। तो 4-5 दिनों में सस्पेंशन आ रहा होगा, 4-5 दिन में सस्पेंशन आएगा, उसके बाद भाई तबाही मचा देंगे, क्योंकि सस्पेंशन के बिना मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा था। थ्री व्हील और चेन का भी हालत देखो क्या हुआ। तो फिलहाल तो अभी भाई प्रैक्टिस करेंगे, कल सुबह देखेंगे। थ्री व्हील और चेन भी नया खरीदने जाएंगे, क्योंकि टोटल व्हील वगैरह कुछ नहीं होगा, खाली ऐसे ही टाइम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। जब भी मैं पेडल मार रहा हूँ तो स्लिप हो रहा है। तो कल जाएंगे थ्री व्हील और चेन खरीद के लेके आएंगे। सस्पेंशन तो मैंने ऑर्डर कर दिया, 4-5 दिनों में आ रहा होगा। तो अभी फिलहाल भाई प्रैक्टिस करेंगे, ओनली टाइम मशीन ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरा चेन पूरा ही खराब हो गया। और ये वाला सीट भाई मैंने खोल के घर में रख दिया था, लेकिन ये बहुत ये वाला सीट भी खराब है, देख लो भाई, देखो मतलब पूरा टेढ़ा है। और इसके पिछले वाला जो सीट है वो भाई मैंने घर में रख दिया, क्योंकि सीट कवर वगैरह कुछ नहीं। तो भाई ये जो सीट देख रहे हो तो ये वाला सीट भाई कम्फर्टेबल नहीं है, बहुत टेढ़ा है, कब क्या टूट जाए तो कुछ पता नहीं। घर में जो सीट रखा भाई उसको ही रिपेयरिंग कर लेंगे, दुकान में जाएंगे सीट वाले दुकान पे, कवर गद्दी वद्दी लगा के पूरा उसको रेडी कर देंगे। और क्या, अभी तो भाई प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात बोलना भूल गया था, मेरा आगे का जो रोटर है वो भी बहुत ख़राब है। तो एक रोटर मैंने जानी से भी लिया था, वो फिलहाल मेरा घर पर है, तो देखते हैं वो रोटर भी एक साथ सब लगा रहे तो वो रोटर भी मैं भी लगा लूँगा एक साथ। और ये भाई मैंने नया ट्यूब लगवाया, तभी भी भाई प्रेशर चला जा रहा है, देखो प्रेशर नहीं है अभी, मैंने प्रेशर देके भी नहीं आया, क्योंकि मैं टाइम से ही प्रैक्टिस करूँगा। जब सब कुछ एक साथ लगाएंगे भाई अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और एक एक चीज़ भाई दिखाएंगे आप लोगों को। और ये सीट का भाई ये सब नट वगैरह सब कुछ ढीला है, देखो कभी नीचे आ रहा है तो कभी ऊपर आ रहा है, कुछ ठीक नहीं है इसका। तो भाई अभी चेन का आवाज़ सुना था वो कैसे ख़राब हो रहा है, देखो भाई साहब तगड़ा आवाज़ हो रहा है। इसीलिए मैं बोला था भाई व्हील वगैरह कुछ भी नहीं होगा, इसलिए भाई मैं जाऊंगा कल चेन और थ्री व्हील खरीद के ले जाऊंगा। ये देखो मैंने बैठा सीट पे और पूरा ही उठ चुका है, पूरा एकदम क्रैंक सेट, चेन, थ्री व्हील, भाई सब कुछ ख़त्म, पूरा ही ख़त्म हो चुका है। और सीट को देखो कैसा हुआ भाई, ये दोनों ग्रिप भाई मैं कब से ऑर्डर करके रखा, लेकिन अभी तक मैंने चेंज नहीं करा। तो जब ये सब चेंज करेंगे तो एक ही बारी में सब चेंज कर लेंगे। भाई चेन इतना खराब, पैडल ही नहीं मार पाऊँ, टोटली प्रैक्टिस नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा देर इधर रुक के घर चला जाऊँगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा है चेन के वजह से। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो फिलहाल मैं और एक प्रैक्टिस ग्राउंड जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इधर नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा साइकिल का ही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं थोड़ा जा रहा हूँ घूम के आ जाऊँगा। मैं तो चेस माउंट लाना ही भूल गया। तो फिलहाल भाई लोग ये वाले प्रैक्टिस ग्राउंड पे आ चुके हैं, देखो A few moments later। तो भाई लोग मैं फिलहाल जा रहा हूँ घर, क्योंकि टोटली प्रैक्टिस नहीं हो रहा है चेन और फ्री व्हील की वजह से, खाली स्लिप हो रहा है तो इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं सोचा घर ही चला जाऊँ, कल जाएंगे भाई चेन खरीदने के लिए और फ्री व्हील। एक छोटा सा वाला ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो का ये एंड कर रहे हैं भाई।